अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि आपके घर से मार्केट की दूरी कितनी है तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि आपके घर से बस स्टैंड की दूरी कितनी है तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि आपके घर से हाईवे की दूरी कितनी है तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे ये भी पूछ दूं कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की दूरी कितनी है तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि आपके जो प्लॉट है, आपके घर का जो एरिया है, उसका कितना एरिया है, कैसे आप नापिएगा, तो आप क्या करोगे? आप फीते लेके निकल जाओगे नापने के लिए, या आप अंदाजे से बता दोगे कि इतनी है। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको मोबाइल फोन पर बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने प्लॉट के एरिया को नापेंगे, आप अपने घर से मार्केट की दूरी कितनी है उसको अपने मोबाइल फोन से कैसे नापोगे, आप इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की कितनी दूरी है आप अपने उसको अपने मोबाइल फोन से उसको कैसे नापोगे, उसको 3D व्यू में कैसे देखेंगे। तो मैं आपको मोबाइल पे ही ये सारा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. प्ले स्टोरी से गूगल अर्थ एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको कुछ इस तरीके से ये ओपन होके आएगा। ये पूरी दुनिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी दुनिया है जो अभी आपके मुट्ठी में आ चुका है। इस तरीके से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और जहाँ भी आपका कंट्री होगा, आपका घर होगा, आपका गाँव कस्बा होगा, उस तरीके से यहाँ पर नेम शो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बड़ा करते रहेंगे और जहाँ भी आपका घर होगा वो यहाँ पर शो करेगा। तो ये सब आपके नेट पे डिपेंड करेगा कि आपका नेट कितना फास्ट काम कर रहा है। इस तरीके से आप इसको बड़ा करेंगे, देखिए जितने जगह का नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, देख भी रहे होंगे आप, इस तरीके से आप जितना भी बड़ा करेंगे इस तरीके से आपका जो अभी गांव कस्बा या घर का नाम होगा वो इस तरीके से यहाँ पे आपको शो कर देगा। अगर इसको आप इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपका इसमें अगर इस तरीके से नहीं नाम आता है तो यहाँ आप जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ बिहार, मैं यहाँ पर बिहार डाल दिया हूँ, बिहार बांसो पट्टी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। मैं इस पर ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी जो है बिहार बांसो पट्टी का यहाँ पर देखिए ये सर्चिंग होकर ये पॉइंट लेके जा रहा है यहाँ पे बिहार में। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ बांसो पट्टी पे ये लेके आ चुका है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लेके आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं बांसो पट्टी यहाँ पर लिखा के आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे मैं डाल देता हूँ राजा, मैं अपने होम एड्रेस डाल देता हूँ, मेरे घर का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके लिए यहाँ पर आप टाइपिंग कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ, इसको कट करूँगा। यहाँ पर मैं टाइपिंग कर देता हूँ राजा। इस तरीके से आपको भी टाइपिंग कर देना है, यहाँ से सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च लिस्ट में देखिए यहाँ मेरा ऊपर में ही नाम आ चुका है। तो मैं इस पर ओके करूँगा। ओके करते ही यहाँ पर देखिए कि मैं जो इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें मैं एक पिक दिया हुआ था और वो जो वीडियो बनाया था उसमें मैं डाला था कि मैं अपने घर का एड्रेस कैसे सेंड करें, ऐड करें गूगल में। तो वो वाला जो मैं वीडियो बनाया था अपने एड्रेस डालने के लिए घर का, तो वो उसमें मैं ये पिक लगाया था। तो वो पिक यहाँ पर देखिए यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे जो है लोकेशन भी शो कर रहा है कि मेरा घर का और यहाँ पे नाम भी ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ मेरा घर है। इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है रोड साइड में। इसको मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ मेजरमेंट वाला पर क्लिक करेंगे और आपका जहाँ भी घर पॉइंट को इस तरीके यहाँ पे ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा एड पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा, इस तरीके से स्क्वायर डॉट करके यहाँ इस तरीके से लेके आएंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल देता हूँ, एड पॉइंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए 8 मीटर हो चुका है। इस तरीके से पॉइंट आप लेके जाएंगे इस तरीके से, जहाँ भी आपका घर होगा एड पॉइंट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर लेके जाना है, ऐसे ही ऐसे यहाँ पे अपने पॉइंट लेके जाना है और एड पॉइंट पे इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ मैं यहाँ पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ।
ये भी पॉइंट आ चुका। इस तरीके मैं यहाँ पे मिला दूंगा और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको नीचे आ गया है एरिया में 15 स्क्वायर मीटर और यहाँ पे आपको मीटर में आ गया 19 मीटर। इसको इस पर क्लिक कीजिएगा एरिया पर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर मीटर में ले सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर, हेक्टेयर, फीट, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर माइल। तो आप जिसमें भी लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ स्क्वायर फीट में, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि 159 स्क्वायर फीट में ये आ चुका है मेरा घर का एड्रेस। तो इसी तरीके से आप अपने घर का मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ना कि फीता लेके निकल जाइएगा नापने के लिए। इसके लिए ब्रेक आएंगे और यहाँ मैं अब दूसरा चीज़ डाल के दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंडिया गेट, तो यहाँ पे मैं डालूंगा इंडिया गेट। इस तरीके से मैं इसको बेक आ जाता हूँ और या मैं यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा सर्च वाले पे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंडिया गेट। इंडिया गेट डालने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये जो ऑटोमेटिकली आपके इंडिया गेट पे लेके चल जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना फास्ट में आप इंडिया गेट चले गए हैं बिहार से डायरेक्ट दिल्ली। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इंडिया गेट के ऑप्शन पे लेके चल जाएगा। इसको हटा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर आपके इंडिया गेट पर लेके इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ इस तरीके से आपको इंडिया गेट पे लेके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हटा देते हैं इसको। यहाँ पर देखिए आप इसको इंडिया गेट में आप हैं, इसको बड़ा करके इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको 3D में देखने के लिए यहाँ 3D पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको 3D में ये शो कर रहा है और इंडिया गेट के चारों साइड में क्या है आप इस तरीके से आप इसको स्क्रॉल ऑन करके इस तरीके से आप देख सकते हैं 3D में। इस तरीके से आप 3D में इसको घुमा फिरा के इस तरीके से आप देख सकते हैं जहाँ भी रखना चाहते हैं। तो मैं नापना चाहता हूँ कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की कितनी दूरी है। तो यहाँ पे हम राष्ट्रपति भवन चलेंगे इस तरीके से बाय रोडवे। इस तरीके से आपको आ जाना है बाय रोडवे राष्ट्रपति भवन। तो यहाँ पे देखिए ये आपका राष्ट्रपति भवन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है राष्ट्रपति भवन। तो ये इस तरीके से यहाँ राष्ट्रपति भवन। अब इसका मैं मेजरमेंट करना चाहता हूँ तो आप इधर से भी नाप सकते हैं या उधर से। चलिए मैं आपको इधर से ही नाप के दिखा देता हूँ। मेजरमेंट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक आपका कर्सर ओपन हो जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ पर डॉट करेंगे इस तरीके से। यहाँ 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से हम सीधे जो चलेंगे अपना जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस तरीके से आपको भी इंडिया गेट की तरफ सीधा बढ़ जाना है और इसको नाप लेना है कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की दूरी कितनी है या राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की दूरी कितनी है। इस तरीके से आपको चल जाना है और यहाँ देखिए इंडिया गेट आ चुका था, हम डायरेक्ट यहाँ इंडिया गेट में ही सटा देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हम 8 पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2.84 किलोमीटर इंडिया गेट से और यहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन की दूरी है आप यहाँ पे 2.84 किलोमीटर। अगर इसको हम इस तरीके से अगर हम नापना चाहते हैं डिस्टेंस पे, यहाँ पे हम इंच में, किलोमीटर में, मीटर में, फीट में, यार्ड में, माइल में नापना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे मीटर में नापना चाहते हैं तो मीटर वाले पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि 2838 मीटर ये हो चुका है। अगर आप इसको किलोमीटर में नापना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस पे जाएंगे और यहाँ किलोमीटर में डाल देंगे। इस तरीके से 2.84 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम इसमें स्क्वायर फीट में या फीट में, इंच में, माइल में, जो भी नापना चाहते हैं इसमें आप नाप सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फीट में नापना चाहता हूँ तो फीट वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ देख रहे हैं कि 9312 फीट यहाँ पे यहाँ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की दूरी है। सो इस तरीके से आप कुछ भी इसमें फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे आप नाप भी सकते हैं, मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि उस प्लेस से इस प्लेस या इस प्लेस से उस प्लेस की दूरी कितनी है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाल किला, तो यहाँ पे लाल किला का आपको शो करके दिखाएगा। मैं यहाँ पे लाल किला डाल देता हूँ इसके जगह पे, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लाल किला डाल देता हूँ। लाल किला डालने के बाद इसको सर्च करेंगे, सर्च करते ही यहाँ पर देखिए आपको लाल किला के पास ये लेके जा रहा है और आप इस तरीके से लाल किला के पास इस मैप द्वारा आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी बंदे गए होंगे वो जाके यहाँ पे इस तरीके से देख रहे होंगे कि ये लाल किला का ऑप्शन इस तरीके से ये आ गया और यहाँ पर देखें लिख रखा है रेड फोर्ट, मतलब लाल किला ही है। तो यहाँ पे अब इसको इस तरीके से आप बड़ा करके भी देख सकते हैं ये लाल किला है और इसको आप 3D में देख सकते हैं। 3D पर क्लिक करके आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके लाल किला पर आपको इस तरीके से यहाँ देता है। सो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ जामा मस्जिद दिल्ली का जो है, तो यहाँ मैं जामा मस्जिद डाल, यहाँ पे देखिए आ चुका है नीचे जामा मस्जिद। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये आपको जामा मस्जिद के पास लेके चल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जामा मस्जिद के पास ये आपको जो मैप लेके जा रहा है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जामा मस्जिद दिल्ली का, तो ये जामा मस्जिद है। इसको आप बहुत ही आराम से इस तरीके से बड़ा करके आप देख रहे हैं जामा मस्जिद।
तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आप 2D में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2D अप्लाई हो जाएगा, इसको 3D में भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपको 3D में अप्लाई हो जाएगा, और जिधर भी आप देखना चाहते हैं इस तरीके से आप इसको 3D में भी देख सकते हैं, और इसको बड़ा छोटा करके इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जिससे आप किसी भी लोकेशन का ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने घर का मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी जगह हो उसको आप इस मैप के द्वारा आप देख सकते हैं। फाइंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप इस गूगल अर्थ से बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाता रहता हूँ। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन से अपने घर के जो प्लॉट है उसको कैसे नापेंगे, उसको 3D व्यू में कैसे देखेंगे, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की दूरी कितनी है उसको कैसे नापेंगे अपने, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।